रानी की सबसे पहली पसंद स्वर्ण आभूषण। और जब स्वर्ण आभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। जनता की समस्याओं को निरंतर, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र के और हमारे किसान जो हैं, जो हमारे रीढ़ की हड्डी हैं हमारे पूरे पॉपुलेशन की और हमको जो अन्नदाता जिनको हम कहते हैं, उनकी खास समस्या ये है कि अभी जिस तरह का उनका नुकसान हुआ है ओलावृष्टि से और अधिक अतिवृष्टि से और असामयिक वर्षा से जो नुकसान हुआ है, उसकी पूर्ति करने के लिए और उसके जो उनकी MSP की डिमांड है उसके संबंध में हम लोग महामहिम राज्यपाल जी को ज्ञापन देने के लिए आए नरेंद्र मोदी के द्वारा। वो हम लोगों ने ज्ञापन समर्पित किया है उनको, जो 2013 में स्वामीनाथन आयोग जो बैठाया गया था कांग्रेस सरकार द्वारा, और उसमें जो उन्होंने कहा था कि उसके बाद भी स्वीकार किया था BJP सरकार ने भी कि उसको हम लोग लागू करेंगे और न्यूनतम मूल्य जो है वो उपलब्ध कराया जाएगा किसान साथियों को, जो कि बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। अभी भी आप देख रहे हैं कि 2700 रुपये गेहूँ के लिए और 3100 रुपये धान के लिए जो उन्होंने मूल्य निर्धारित किया था उससे बहुत कम उनको दिया जा रहा है और उसमें भी बहुत सारी कमियां निकाल करके उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हमारी इस शासन से, खासतौर से केंद्रीय शासन से ये मांग है कि किसानों की समस्या की तरफ से ध्यान दिया जाए। और ये सब किसान साथी और ग्रामीण क्षेत्र के हमारे बहुत सारे लोग, पशुपालक लोग आए हुए हैं, वो इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित हैं कि हमको हमारा अधिकार दिया जाए। अच्छा, एक कि इसी को आयरनी कहते हैं हिंदी में, उसके लिए उचित शब्द है कि एक बड़ी अव्यवस्था की समस्या है प्रशासन के सामने, कि प्रशासन आदेश दे रहा है और जो पेट्रोलियम कंपनी वो मान नहीं रही है, तो फिर आपका क्या शासन है और आपके क्या प्रशासन है? इसको आप गुड गवर्नेंस कहेंगे क्या? जनता के लिए आपको ऑर्डर निकालते हैं और मातहत कंपनियाँ उसको पालन नहीं करती हैं, तो ये क्या है? आपका फेलियर है। इसका तो ये मतलब है कि मिलीजुली कार्यक्रम है, केवल जनता को कह रहे हैं कि भाव कम कर दिया और पेट्रोल कंपनियां उस हिसाब से नहीं दे रही है, तो इसका मतलब प्रशासन से मिली हुई है। किसानों की समस्या ये है कि अभी कुछ दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी, बारिश हुई थी, उसमें गेहूं चने की फसलें खराब हुई थी, जहाँ जहाँ खराब हुई अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। हम सर्वे की मांग कर रहे हैं कि सर्वे कर उनको उचित मुआवजा दिया जाए। और जो बारिश के समय में सोयाबीन की फसल ना पानी गिरने से कम पैदावार हुई थी और शासन ने उस चीज़ को सिद्ध किया था, 2000 रुपये किसानों को मुआवजा दे के, कि हकीकत में फसल ख़राब हुई है, तो जिन किसानों का बीमा कटा है बैंकों में उनको तत्काल बीमा दिलाया जाए, इस ये मांग करने हम आए। मांगे नहीं मानी तो क्या करेंगे हम? आगे और आंदोलन करेंगे हम। अभी तो एक सिर्फ सूचना थी, बाकी इसके आगे अब यहाँ ही आएंगे, अब हम वहाँ बुलाएंगे कलेक्टर को, जहाँ मतलब पूरे जिले के किसान इकट्ठे होंगे। आपका परिचय? ओंकार पटेल, पूर्व जिला कांग्रेस अध्यक्ष।